जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पाल ने आगामी लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य को लेकर निर्वाचन रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में शत प्रतिशत मतदान के लिए सभी पंजीकृत मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। प्रचार वाहनों में ईवीएम मशीन तथा वीवीपैट मशीनों को रखा गया है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं को जागरूक करेंगी। मतदाता सूची में नाम दर्ज करने अथवा हटाने को लेकर भी टोल फ्री नंबर 1950 के संचालन की भी जानकारी दी जाएगी। जिलाधिकारी ने निर्वाचक रथों का लाभ उठाने की अपील की है। ये जो हमारा मतदाता के लिए अगले लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जो भी हमारा ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन होता है, वो एक मोबाइल वैन एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, हमारे यहाँ दो कॉन्स्टिट्यूएंसी तो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए मोबाइल वैन दी गई है। दोनों आरओ ऑफिस में भी मुख्यालय पर भी हमारी एक टीम बैठती है जिसमें ईवीएम का डेमोन्स्ट्रेशन होता है। ये बूथ वाइज हम प्लान करते हैं कि बूथ बूथ तक जाकर लोगों को उसमें जागरूक किया जा सके ताकि हमारा वोट परसेंटेज बढ़ जाए। और जिनके नाम मतदाता सूची में छूट गए हैं, जो अभी भी हमारा लगातार ये प्रक्रिया नामांकन की प्रक्रिया जारी है, तो वो अपना नाम भी मतदाता सूची में लगवा लें और हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने के लिए भी, लोकसभा में हमारा परसेंटेज काफ़ी पिछले सालों से कम ही रहा है स्टेट एवरेज से, तो यही मेरी अपील रहेगी कि हम स्टेट एवरेज तक आ जाएं और स्टेट एवरेज को भी पार कर जाएं, नेशनल एवरेज तक हम पहुँचें और हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाए। ये मेरी लोगों से अपील रहेगी कि लोग डेमोन्स्ट्रेशन भी देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करने भी आएं। इसके लिए हम अलग से भी फिर स्वीप एक्टिविटी करके और भी ज़्यादा जागरूक करेंगे, तो हमारा भी स्टार्टिंग फेज है, तो हम आगे भी और लगातार इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी एनएस नबियाल, सहायक निर्वाचन अधिकारी आरसी आर्या आदि मौजूद थे। सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।